कलयुग के पांच ऐसे सत्य जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बता दिया था। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने एक बार भगवान श्री कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे वासुदेव, कलयुग में मनुष्य का जीवन कैसा होगा, मनुष्य के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों से कहा कि मैं तुम्हें इसका सीधा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम पांचों भाई जंगल में जाओ और जो कुछ भी वहां दिखे मुझे आकर विस्तार पूर्वक बताना, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। यह सब सुनकर पांचों पांडव जंगल में गए और उन्होंने वहां जो देखा वह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। फिर पांचों पांडव श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वहां क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने पहली बार दो सूंड वाला हाथी देखा, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही करेंगे, ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी आश्चर्यजनक था। मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंख पर वेद लिखे थे लेकिन वह मांस खा रही थी। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसों जैसा होगा। कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उनके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। उसके बाद भीम ने कहा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहू लोहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में माँ के बच्चों की प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वे बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा जब किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जब खुद का बेटा साधु बनेगा तो वे रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। कलयुग में बच्चों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध के रखेंगे। उसके बाद सहदेव ने कहा कि मैंने सात कुएं के बीच में एक सूखा कुआं देखा, लेकिन यह कैसे हो सकता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य फालतू की चीजों में अपना पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन वह देखेंगे तक नहीं कि पड़ोस में कोई भूखा मर रहा है। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, खाना खाने और घूमने में अपना सारा पैसा बर्बाद कर देंगे, लेकिन किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। इसके बाद नकुल ने कहा कि एक चट्टान सभी पेड़ पौधे को तोड़ रहा था, लेकिन वह एक छोटे से पौधे पर टकराकर रुक जाता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोगों का जीवन पतन हो जाएगा, ऐसे में हरि नाम का एक छोटा सा शब्द उस पतन को रोक पाएगा। अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन के लोभ को छोड़कर हरि नाम का जाप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे मेरी चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि अवश्य